भाजपा भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। सशस्त्र संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना इसका लक्ष्य है। 7 अप्रैल 1979 में उल्फा की स्थापना हुई थी। ये गाँव है ना, वो सबके डर के मारे वो सब चला गया। अभी तक खाली है। उत्तर पूर्व भारतीय में सक्रिय ढेर सारे आतंकवादी संगठनों में से एक आतंकवादी संगठन उल्फा है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, लेकिन संगठन उल्फा के नाम से ही प्रचलित है। जी हाँ, सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम को स्थापित करने मकसद से भीमकांत बुरागोई, राजीव राजकुंवर उर्फ अरविंद राजखोआ, गुलाब बरुआ उर्फ अनूप चैतन्या, समरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई, भुवेश्वर गोहाई और परेश बरुआ ने 7 अप्रैल 1979 में शिव सागर के रंगर में उल्फा की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि 1986 में उल्फा का संपर्क नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और म्यांमार में सक्रिय संगठन काचिन लेबर्स से हुआ। जी हाँ, 1989 में इसे बांग्लादेश में कैंप लगाने की छूट मिल गई और 1990 के आते आते उल्फा ने कई हिंसक वारदाताओं को अंजाम भी दिया। हम आपको आगे बता दें, अमेरिकी गृह मंत्रालय ने अन्य संबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची भी उल्फा को भी शामिल किया। संगठन के प्रमुख नेता परेश बरुआ, जी हाँ कमांडर इन चीफ, अरविंद राजखोआ जो कि हैं चेयरमैन, अनूप चैतन्या यानी जनरल सेक्रेटरी जो कि वर्तमान में बांग्लादेश सरकार की कस्टडी में है, प्रदीप गोगोई जो कि हैं वाइस चेयरमैन जिन्हें असम सरकार की कस्टडी में रखा गया है, खुद को क्रांतिकारी संगठन मानते हैं। उल्फा अपने आप को भारत के खिलाफ संप्रभु और स्वतंत्र असम की स्थापना में संघर्ष क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन करता है। उल्फा का कहना है कि असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उल्फा का दावा है कि असम जिन ढेर सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है उनमें राष्ट्रीय पहचान सबसे प्रमुख समस्या है, इसलिए उल्फा स्वतंत्र दिमाग से संघर्ष लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे लोग जो नस्ल, जनजाति, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से प्रबल नहीं है। जबकि भारत सरकार ने उल्फा को आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रखा है और प्रिवेंशन एक्ट के तहत उल्फा को प्रतिबंधित किया है। जी हाँ, भारत ने उल्फा के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन बजरंग शुरू किया है। सरकार ने उल्फा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी DGFI से संपर्क बना भारत के विरुद्ध छज युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने उल्फा को आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रखा हुआ है। भारत ने उल्फा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI
और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी DGFI से संपर्क बना भारत के विरुद्ध छज युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। उल्फा वामपंथी विचारधारा को मानने वाला है और उसका संबंध माओवादियों से भी है। ऐसे में दावे किए जाते हैं कि उसके कई सदस्यों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया है। 1990 में व्यवसायी लॉर्ड स्वराज पॉल की भाई सुरेंद्र पॉल की हत्या, 1991 में रूसी इंजीनियर का अपहरण, बाद में अन्य लोगों के साथ उसकी हत्या, 1997 में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ का अपहरण कर दिया हत्या, 1997 में असम गण परिषद के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मेहनत की हत्या की कोशिश, 2000 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नगीन शर्मा की हत्या, 2003 में असम में कार्यरत बिहारी मजदूरों की हत्या, 15 अगस्त 2004 में कुछ बच्चों समेत बम विस्फोट में 15 लोगों की हत्या, जनवरी 2007 में गुवाहाटी में बम ब्लास्ट 6 लोगों की हत्या। उल्फा ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। उल्फा ने भारत में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बता दें, 3 दिन पहले गुवाहाटी में ब्लास्ट उल्फा ही ने करवाया था। ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है उल्फा ने। आज के लिए इतना ही। बस मैं पूजा ऐसी कई संगठनों की घटनाओं को लेकर आती रहूंगी और आप देखते रहिए द न्यूज लिस्ट।